हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन का जो गाइडलाइंस है वो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होगा। सबसे पहले यहां पर तो आपको बताया गया है कि फ्रंट पेज में आपका क्या क्या डिटेल मेंशन रहेगा। तो जो फ्रंट पेज है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बताया गया है कि पीडीएफ फाइल का नाम आप कैसे रखेंगे। सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर और उसके बाद आपका कोर्स कोड रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट का कोड रहेगा। साथ ही में आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी असाइनमेंट है सभी का साइज जो है 10 MB से कम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी असाइनमेंट है, अगर 10 असाइनमेंट है या फिर 8 है या फिर 4 है, तो सभी को आपको एक सिंगल अटेम्प्ट में ही ऑनलाइन सबमिट करना होगा। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपको बता दिया गया है। साथ ही में आपको बताया गया है कि जब आप असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो उसका जो रिसिप्ट है वो आपको ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और असाइनमेंट का नंबर कब अपडेट किया जाएगा यहाँ पर आपको बताया गया है, जून 2021 का जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद जो है असाइनमेंट का जो नंबर है वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर वाइज गूगल फोरम का लिंक दिया गया है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो आपका जो भी स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर का कोड आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना सभी डिटेल्स देना होता है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप एक से ज्यादा असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोमा लगा लगा करके जो है सब्जेक्ट कोड लिखना होगा। तो सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर कोमा लगा लगा करके लिख देंगे जितने भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। और उसके बाद वही आपका रीजनल सेंटर आ जाएगा, स्टडी सेंटर का नाम और कोड रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है कि आप सभी पीडीएफ को एक बार में कैसे सबमिट करेंगे। तो पीडीएफ फाइल का नाम आप कैसे रखेंगे यहाँ भी आपको बताया गया है। और पीडीएफ फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड फाइल पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपका फाइल जहाँ पर भी रखा गया है पीडीएफ फाइल उसको आप पिक करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप जितने भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप 4 सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको पिक करेंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये अपलोड हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो सभी डिटेल्स को डालने के बाद, असाइनमेंट को यहाँ पर अपलोड करने के बाद, यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो असाइनमेंट सबमिट करने से पहले जो भी जरूरी गाइडलाइंस है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स मांगा गया है सभी को भर दीजिए, उसके बाद आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का गाइडलाइंस जारी किया गया है उसको आप इस वाली वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। और ये जो लिंक है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।